विज्ञान की श्रृंखला में हम आखिरी भाग की बात करते हैं जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसमें GII 2022 की बात की गई है कि जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। भारत जो है 40वीं पोजीशन पर है और शुरू की दो तीन जो पोजीशंस हैं वह इसमें महत्वपूर्ण रखती हैं, महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुख्यतः क्या चीज़ें देखी जाती है, देश में कितने नंबर ऑफ़ PhDs हुए हैं, हायर एजुकेशन का साइज़ कितना है, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन कितनी है, कितने पब्लिकेशंस हुए हैं, कितने साइटेशंस हैं, कितने जो है पब्लिकेशंस हैं, उन सब का लेखा जोखा यहाँ पर देखा जाता है। तो जैसे जैसे R&D को हम बढ़ावा देंगे, हमारा इनोवेशन इंडेक्स और बेहतरीन होता जाएगा। नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर साइंसेस ने एक प्लान पास किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। उसकी सहायता से 25 अलग अलग टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक्सरे सेतु एक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, और जो चेस्ट एक्सरे के इंटरप्रिटेशन को WhatsApp की इमेज के द्वारा भी कर सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम एंटेंगलमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में पहली चीज़ तो रिसर्च को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो जो महिलाएं रिसर्च से जुड़ी हैं वो युविका प्रोग्राम के थ्रू या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं उनके तहत उनको बढ़ावा दिया जाएगा। एक नया मेथड निकाला गया है जिसमें हाइड्रोजन 99.99% प्योर डेवलप किया जाएगा एथेनॉल मिक्सचर, एथेनॉल और पानी, मिथेनॉल और पानी के मिक्सचर से, जिसको एक दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर एक तिहाई इलेक्ट्रिसिटी पास करके अलग किया जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि वादिया इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, जिसमें ग्लेशियर्स की स्टडी की गई है और मैराइन आइसोटोप स्टेजेस से लिटिल आइस एज तक किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और ग्लेशियर्स की स्टडी हुई है उसके बारे में चर्चा की गई है। जब हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल स्टडीज़ के द्वारा एक नया सेक्शन इवॉल्व हो रहा है जिसको क्वांटम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं और वह आपस में आके एक दूसरे से किसी तरीके से तारतम्य जोड़ते हैं और उसको क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा गया है। भारत में सैफरन बाउल ऑफ इंडिया कश्मीर तो है ही, पर कश्मीर के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में जिसे नेक्टर कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के द्वारा तवांग अरुणाचल प्रदेश में और बारापानी मेघालय में केसर की खेती की बात की गई है। दो मुख्य साइंटिस्ट हैं भारत से जिन्हें नॉर्थ पोल एक्सपेडिशन का हिस्सा बनाया गया है और उनकी रिसर्च वेसल क्रॉन्स प्रिंस हाकून जो है वह नॉर्थ पोल के एक्सपेडिशन में जाएगी। अंटार्कटिक बिल भारत में पास किया गया है 2022 अगस्त में, और इसके तहत भारत जो है अंटार्कटिक ट्रीटी को ओबे करता है और जो भी मैराइन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनका प्रोटेक्शन और वहाँ के इकोसिस्टम का डेवलपमेंट और सेफ्टी भारत का एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। पहला एविडेंस सॉलिटरी वेव्स का मिला है, ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। अपर आसाम बेसिन में हिमालयन बेल्ट में हमने देखा है कि मिशमी हिल्स और नागा हिल्स के पास में सेडिमेंट्स मिले हैं, डिपॉजिट्स मिले हैं जो कि टर्शरी पीरियड को डिनोट करते हैं। इसी तरह हमने मेघालयन एज की भी बात की है। पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो कि एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसने सॉलिटरी वेव्स आइडेंटिफाई की है मार्स की सर्फेस पे मार्शियन मैग्नेटोमीटर के द्वारा, और मेवन स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा इसके बारे में डिटेल स्टडीज मिली हैं। RS-OPUCHI जो है एस्ट्रोनॉमर्स जो कॉन्स्टलेशन है, जो तारामंडल है ओपिचस का, जो कि एक रिकरेंट नोवा सिस्टम का हिस्सा है, वह अचानक से कैसे बहुत ब्राइट हो जाता है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे फेड हो जाता है। लगभग 50,000 लाइट वर्ष दूर ये स्थित है और यह पहली बार 2021 में डिटेक्ट किया गया था। इसे वाइट ड्वार्फ की कैटेगरी में रखा गया है। वाइट ड्वार्फ की सहायता से इसमें टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है कुछ महीने के लिए और फिर
यह टाइप ए सुपरनोवा के रूप में आता है। तो यह जो एक सुपरनोवा बनता है, ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। बहुत सारे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इनको किस तरीके से पता लगाया जा सकता है? तो अपनी बॉडी में लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन की सहायता से इन न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो मेम्ब्रेनलेस कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से अलग किया जाता है और इन बीमारियों में किस तरीके से उसको चेक किया जाता है। एग्रोट्रॉपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम एंटेंगलमेंट से ये जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, नोबेल प्राइज़ जब मिला था जिसमें हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की थी, उन सभी में हमने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात की जिसमें एनर्जी का स्टोरेज कैसे हो सकता है। तो एंट्रॉपी का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम जिसमें रैंडमनेस मेंटेन हो, हर चीज़ रैंडम मूव कर रही है पर वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से एग्रोट्रॉपी भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और किस तरीके से इसको लाया जा सकता है कि उतना ही एक्सट्रैक्ट करा जाए उस सिस्टम में से जिसके द्वारा उसकी एंट्रोपी बनी रहे, उसको एग्रोट्रॉपी कहा जाता है। अर्गोट्रॉपी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस साल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हंसा एनजी भारत का इंडिजीनियसली बिल्ड टू सीटर एयरक्राफ्ट है जो कि CSIR की नाल द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज फैसिलिटी में इसकी टेस्ट फ्लाइट की गई थी। इसकी स्पीड 60 से 70 नॉट्स के आसपास आती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये इंडिजीनियसली बनाया गया है। हजीरा सूरत में पहली स्लैग रोड बनाई गई है, मतलब स्टील का जो स्लैग निकलता है वह एक मेजर वेस्ट माना जाता है, उसको किस तरीके से बेहतरीन रूप से इस्तेमाल करके जो रोड मैन्युफैक्चरिंग है उसमें लगाया जा सकता है। यह पहली रोड जो बनाई है इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है और यह 100% नेचुरल 100% सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में लिया जा सकता है। जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है स्टील का जो स्लैग की तरह वेस्ट होता है, उसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है ये यहाँ पर बताया गया है। ग्रेफीन जो है, ग्रेफीन स्टेबलाइज्ड फोटोनिक क्रिस्टल्स ज़्यादा ड्यूरेबल और बेटर डिस्प्ले बना सकते हैं डिवाइसेस में, और ये फोटोनिक क्रिस्टल्स ऑप्टिक नैनो स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेगुलरली चेंज होता है। तो लाइट किस तरीके से एक से दूसरे पे जाएगी उसका यहाँ पर सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो फोटोनिक बैंक गैप जो एक फिनोमिना है जो ये प्रिवेंट करता है कि कितनी लाइट एक फ्रिक्वेंसी की आ रही है और प्रोपोगेट कर रही है किस डायरेक्शन में, उसको एफिशिएंटली काम में लिया जाए चाहे थर्मल हो, इलेक्ट्रिक हो या ऑप्टिकल फील्ड हो। तो यह उसकी स्टडी हम इसके द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण सीरीज़ डिस्कस की, मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी UPSC की आने वाली परीक्षा के लिए। इन सभी टॉपिक्स के हैंडआउट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पर अवेलेबल है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।